एक तरह से इन लोगों को आतंकवादी बोल रहे हैं वो लोग। क्या दिल्ली के लोग, हमारे दिल्ली के लोग आतंकवादी हैं? वो कह रहे हैं आपने खुद को भी अराजक बोला था कभी। नहीं, लेकिन मनोज तिवारी तो सर आपको ट्विटर पर झूठ की मशीन बुला चुके हैं। उनका ये कहना है 5 साल में एक बस ना खरीद पाए, एक नया कॉलेज ना बना पाए, आपने योगी आदित्यनाथ की ना बना पाए। योगी आदित्यनाथ की बात की अभी, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अभी योगी आदित्यनाथ जी आए थे, बोले दिल्ली के स्कूल बहुत खराब हैं, दिल्ली के अस्पताल बहुत खराब हैं, अगर बीजेपी की सरकार बनी तो दिल्ली के स्कूल अस्पताल यूपी जैसे कर देंगे। समझ रहे हो? गोल्ड किला है, कोट ढीला में टोप ढीला, कोट ढीला। ये बढ़िया था गुरु। क्या छुपा रखा है सरकास्टिक स्माइल में? तो आप चाहते हो दिल्ली के स्कूल अस्पताल या हरियाणा जैसे हो, बीजेपी जैसे, दिल्ली जैसे ही रहने चाहिए ना? मिस्टर खान इन हिज पोस्ट इन द फेसबुक हैज सेड कि भारत के मुसलमानों को ये नहीं पता कि अगर हमने जाकर अरब के मुसलमानों को कंप्लेन कर दी तो इनका क्या हशर होगा। मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमने उस टाइम भी इसको क्रिटिसाइज़ किया था, पब्लिकली हमने क्रिटिसाइज़ किया था, इनकी पोस्ट बिल्कुल गलत है, इनकी पोस्ट देश के खिलाफ है, एंड वी डोंट सपोर्ट दिस। बट ही स्टिल द माइनॉरिटी। ही इज रिटायर्ड। रिटायर्ड? मैं 2-4 दिन पहले रिटायर, वो टेन्योर खत्म हो गया। बट यू डिडंट रिमूव हिम। एक महीना बचा था। सो अगर किसी का एक महीना बचा हो तो प्रिंसिपल्स पे आप उसे निकालते नहीं, आप रिटायर करने देते हैं? मतलब आप क्या इशू बनाना चाहते हैं? ना आया मुझे परख लेना, आंखें मेरी फड़की ना, यही तो मेरा सबक है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इज द इशू फॉर। उसने पोस्ट करी थी, अब पुलिस एक्शन ले रही है, पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया उनके खिलाफ, जो पुलिस एक्शन ले रही है अपना लेती रहेगी। केजरीवाल जी, लेकिन बहुत सारे स्कूलों के साथ बीजेपी के सांसद भी सामने आए थे और उन्होंने तस्वीर दिखाकर ये दावा किया था कि दरअसल केजरीवाल जो अच्छे पिक्चर दिखाना चाहते हैं वो पूरी सच नहीं है। आपने, आपके चैनल ने ही अपना रिपोर्टर भेज के सच्चाई सामने की थी, मैं आज तक को बधाई देता हूँ। उन्होंने क्या करा था, आपके चैनल ने दिखाया था, हमारी खुद भी गई थी कई सरकारी स्कूलों में। तो एक स्कूल हमने, जैसे स्कूल की बिल्डिंग जो थी वो नई बना दी, तो जो पुरानी बिल्डिंग थी वो टूटने वाली है, उसको बुलडोजर चलना है। इन्होंने क्या किया, फ्रेम में, उसके बगल में नई बिल्डिंग है, फ्रेम में केवल पुरानी बिल्डिंग दिखाई, बोले देखो कितनी गंदी बिल्डिंग, अरे वो तो टूटने वाली है, नई बिल्डिंग बगल में बनी पड़ी है। इतने झूठे हैं ये लोग, गजब बेइज्जती है। आपको लग रहा है कि 8 के 8 सांसदों ने गलत तस्वीर पेश की दिल्ली? आपने बताया था कि गलत की थी। अब जो किसान के पास खेती बची है, उस खेती को छीन के ये कुछ चंद पूंजीपति घरानों को देना चाहते हैं, तो किसान जाएगा कहाँ? आज ये किसान की, मैं एक्चुअली सोच रहा था, आप सोचिए आज इतनी ठंड पड़ रही है, 2 डिग्री 1 डिग्री तापमान है रात को, ऐसे में रात को खुले आसमान के नीचे खुली सड़क पे सोना कोई हंसी खेल है? क्यों सो रहे हैं? इनको कोई मजा थोड़ी आ रहा है, इनके सर्वाइवल पे बनाई है। बीच में टोकिए मत, टोकना ठीक नहीं है, गलत बात है, गजब बेइज्जती है। अब मैं प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं वो आप जैसे जो राजनीतिक दल हैं उन पे आरोप लगा रहे हैं, खासतौर पे मुझे लगता है कांग्रेस उनके निशाने पे है क्योंकि कांग्रेस ने बहुत दिन तक शासन किया है, कि वो भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कभी मंडी खत्म करने की बात नहीं की, उन्होंने कभी जमीन कोई ले जाएगा इसकी बात नहीं की, ना कानून में लिखा गया है ऐसा कुछ। तो ये चूंकि एम्पायर करना है किसानों को, वो चाहते हैं, वो एम्पायर करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि मंडियां भी रहेंगी और फ्री मार्केट भी होगा, आपको जहां ज्यादा कीमत मिले वहां अपने अपने प्रोडक्ट को बेच दो। इसको तो ऐसे लाया क्यों जा रहा है, इसका फायदा क्या? यही तो फायदा बता रहे हैं कि वो एम्पायर करना चाहते हैं किसानों को, और आप जैसे लोग राजनीति की खेती कर रहे हैं और इसलिए भड़काते हैं उनको। तो मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं तो अनभिज्ञ आदमी हूँ, आप बता दीजिए आपके चैनल के जरिए इस कानून के क्या क्या फायदे हैं। आप बात क्यों पूछते हैं, आप वो बात क्यों पूछते हैं, अरे जो बताने के काबिल नहीं।
नहीं नहीं ये तो प्रधानमंत्री लगातार बता रहे, मैं तो प्रधानमंत्री की बात पूछ रहा हूं। प्रधानमंत्री लगा ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी पीन अटक जाती है। श्री जी से पूछ लीजिए ना, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि उन्होंने डेलिबरेट किया पिछले कुछ साल से, जो कितने कमीशन बने उन सबने, और कांग्रेस भी इसी रास्ते पे जा रही थी और उसी रास्ते को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो किसानों को एम्पावर करना चाहते हैं, उनको ज्यादा शक्ति देना चाहते हैं, उनके हाथ में ज्यादा पैसे हो ये इंतजाम करना चाहते हैं। तो इससे कैसे किसान को कैसे शक्ति मिलेगी, कैसे ज्यादा पैसा आएगा, थोड़ा समझा दीजिए। ये तो प्रधानमंत्री समझा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मेरा काम उनसे भी पूछना है, आपसे भी पूछना है कि क्या आप लोग इसमें राजनीति की खेती कर रहे हैं क्या। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ही समझा दीजिए ना, कि मैं अगर आप मेरे को समझ आ गया तो मैं दूसरों को भी समझा दूंगा। खेड सिखाना।